बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात रेमल अगले 6 घंटों में तूफान में बदल जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक रेमल रविवार आधी रात यानी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में सागर आइलैंड के खेपूपाड़ा में लैंडफॉल करेगा। इस दौरान करीब 3135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। रेमल का सबसे ज्यादा असर पूर्वी मेदिनीपुर, 24 परगना, सुंदरबन, मैग्रो में होगा। वहीं तूफान के कारण मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके चलते ही 394 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। ईस्ट और साउथ ईस्ट रेलवे ने भी एहतियातन दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों से होकर जाने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेमल का असर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर, सुंदरबन, त्रिपुरा और ओडिशा में समंदर किनारे बसे जिलों में ज्यादा रहेगा। इसलिए एनडीआरएफ की टीमों ने इन इलाकों में रहने वाले और टूरिस्ट को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं।